12th इकोनॉमिक्स सीबीएसई। हाँ जी दोस्तों, हमारा 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आज जानते हैं कि पेपर कैसा आया था, टफ था, इजी था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्वेश्चन करने में बहुत लेंदी थे, आसान थे, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, हम खुद स्टूडेंट से पूछते हैं। तो अनिशा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका पेपर हुआ कैसा? आपका पेपर अच्छा हुआ, नॉर्मल था, कैसा हुआ? सर, पेपर ना ज्यादा इजी था ना ज्यादा हार्ड था, मॉडरेट था, और मेरा अच्छा हुआ पेपर। मॉडरेट था मतलब पेपर ना आसान भी नहीं बोल सकते, टफ भी नहीं थे, मॉडरेट था। तो एकदम बेसिक पे चलते हैं, मैं ये नहीं पूछूंगा कि पेपर में आपने क्या किया, पहले आप हमको बताओ आपका पेपर अच्छा हुआ तो आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करी थी? लाइक स्टार्टिंग में आप बहुत ज्यादा पढ़े पूरे साल और एंड में भी ऐसा रखा, या एंड में जाके आपने अपनी पढ़ाई को इंक्रीज किया? सर, कंसिस्टेंसी इज मस्ट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स है ना, तो मैं एकदम कंसिस्टेंट थी, क्लासेस रेगुलर लेती थी, स्कूल भी रेगुलर जाती थी, तो मतलब जो क्लास में पढ़ाते थे ना उसको ही घर पे आके रिवाइज करना और वो ही पढ़ना, वो ही मेरी स्ट्रेटेजी थी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी 7-8 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ी है, या फिर रात सुबह से लेकर शाम तक इकोनॉमिक्स ही पढ़े, ऐसा नहीं? नहीं सर, ऐसा कभी हुआ, मैंने कभी कोई भी सब्जेक्ट को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दी ना कम भी, मैं तीनों को एक साथ लेती थी क्योंकि परसेंटेज तीनों के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी कि इकोनॉमिक्स को कभी भी ज्यादा या ऐसे कम नहीं देखना, मॉडरेट साथ में लेके चलना है, कभी ये नहीं देखना कि दो ही सब्जेक्ट है। अनिशा ने भी ऐसा ही किया था, वो पूरे सब्जेक्ट को साथ में लेके चली थी और सारी चीजें कर दी। अनिशा, पूछना चाहेंगे कि जब एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले या दो दिन पहले टाइम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं, चीजें याद नहीं रहती, वो कोशिश करते हैं बट ऐसा लगता है सब मिक्सअप हो गया, तो वो लास्ट के दो दिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? सर, मैंने ना ज़्यादा पैनिक ना ही किया क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट थी, तो मेरे को सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर थे, पर सबको नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, अपने नोट्स खुद के हैंड रिटन इज मस्ट, और उसको ही रिवाइज करना, टेस्ट PYQs करना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मतलब आपने बताया कि आपने बहुत सारे टेस्ट पेपर साथ साथ में दिए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने करे, जिससे आप एटमॉस्फेयर को समझ पाए कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको किसी भी एग्जाम में बैठना है तो उसी हालत में खुद आप पहले जाकर देख लीजिए जो अनिशा ने किया था, पास्ट ईयर के पेपर देना। अनिशा, जल्दी चलते हैं, लास्ट आपसे एक चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने इतने अच्छे से पेपर कंप्लीट किया तो वो 3 घंटे कैसे आपने एनालाइज करे, 3 आवर्स एक बार बताएंगे? सर, मैंने पेपर को ऐसे एक देखते ही मैंने समझ लिया था कि ना पेपर ज़्यादा इजी है ना हार्ड है, मॉडरेट है, तो मेरा यही मोटो था कि मेरे को पूरा अटेम्प्ट करना है, तो मैं एकदम स्टार्टिंग से ही थी कि मुझे पूरा एकदम पेपर अच्छे से एनालाइज करके, ना सिली मिस्टेक करनी है, मेरे को पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करना है पेपर। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी सिली मिस्टेक ना हो जाए, कभी कभी लगता है कि पेपर आता है बट स्टिल बच्चे गलती कर जाते हैं, और जो सबसे बड़ी गलती होती है पेपर छूट जाना, आपने उसके ऊपर काम किया और होपफुली आपका पेपर भी अच्छा हुआ। इन लास्ट क्वेश्चन, आप जो बच्चे अभी 12th में आए हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आप इनको क्या सजेशन देना चाहते हैं छोटा सा? कि रिमेन कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, ना बहुत ज्यादा ब्रेक मत लेना स्टडीज में क्योंकि कंसिस्टेंसी इज मस्ट, और कोई भी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रायोरिटी देनी है कम प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के ऊपर ही तुम्हारी परसेंटेज डिपेंड करती है, तो सारे सब्जेक्ट को अच्छे से स्टार्टिंग से ही पढ़ के चलो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। एकदम बढ़िया बताया आपने। एक छोटी सी और बात पूछ लेते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स बच्चों को पसंद नहीं आती, तो वो इंडियन इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ी थी आपने? सर, मैं को ना इंडियन सबको लगती है कि रटने का सब्जेक्ट है, ऐसा कभी भी नहीं होता, उसको समझ लो, उसके बाद अपने व्यू पॉइंट से समझो कि तुमने क्या समझा है, उसके ऊपर तुम लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, तो वो ज्यादा अच्छा होता है, ना रटने की जरूरत नहीं है, एक्रोनिम्स करो उसके ऊपर, एक्रोनिम्स बनाओ और अच्छे से कंसेप्ट समझे करोगे ना तो वो एकदम इजी हो जाता है। तो हम सारे स्टूडेंट्स को बस यही बताना चाह रहे हैं कि इको भी हो चुका है, बीएससी भी आप लोगों का आगे पेपर है, एंड हर साल पेपर होते रहेंगे, कभी भी इकोनॉमिक्स को जैसा निशा ने बताया एक बार में मत कंप्लीट करो, कंसिस्टेंट रह के चलो, पास्ट ईयर के पेपर दीजिए, बुक्स पढ़िए जो सीबीएसई हमारे को प्रोवाइड कराता है, सीबीएसई का सैम्पल पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आप करते हुए चलते हो तो कभी भी वर्स्ट हैपन नहीं होगा, आपके सारे पेपर अच्छे होंगे एंड आप लोग अपनी 12th में अच्छे से स्कोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच अनिशा।